हेलो एवरीवन। सो आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन है 41 से लेके 60 तक हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ये यूजीसी नेट 2021 का जो जून में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके ये क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और यहाँ से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। चाहे आपका किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, जैसे LT का हो या PGT हिंदी का हो, तो उसमें यहाँ से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई क्या है? ऑप्शन, चार ऑप्शन दी गई है। केवल कवित के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि केवल दुहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारसंगत। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको उत्तर चुनना है, ए बी, बी सी, सी डी और बी डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चार हो जाएगा, बी और डी, मतलब कि हिंदी के प्रथम महाकवि है और साथ में क्या है, व्याकरण में पारंगत है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। क्या क्या संबंध में इसका सही है? तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 2022 का जो आपका नेट हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है कुंभन दास के पुत्र है, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, हितुष को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी, मतलब कि कुंभन दास के पुत्र है और हितुष को मंगल की इनकी कृति है। ठीक है, आगे है ये जो दोस्तों आंसर है, ये मैं ऑफिशियली आंसर की के अनुसार ही बता रहा हूँ, जो आपको यूजीसी नेट के द्वारा अपलोड की गई थी आंसर की, उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही सुमेल है। तो पुस्तक दी है और उसके लेखक दिए हैं, केशव की काव्य कला, सत्येंद्र गुप्त की कला, कृष्ण शंकर शुक्ल, पद्माकर की काव्य साधना, औखरी गंगा प्रसाद सिंह प्रसाद की काव्य साधना, रामानाथ लाल सुमन। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, सी और डी। ठीक है, सी और डी ए राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? चार स्थापनाएं दी गई है, महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती है, महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूति है, रमणीय कल्पना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या, छायावादी कवित्री में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के अंतर्गत आती है, और सी ऑप्शन, महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना, ये दो स्थापनाएं सही हो जाएगी। ठीक है, ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से नंद दुलारी वाजपेयी के संबंध में सही कथन है। तो क्या सही कथन है नंद दुलारी वाजपेयी के संबंध में? चार ऑप्शन दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदुलारी वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला को छायावाद की बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ये क्वेश्चन आपका एक और यहाँ से बन गया कि छायावाद की बृहत्तरी कौन कौन है? प्रसाद पंत निराला और सी ऑप्शन, नंदुलारी वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक है। तो ये क्या है? छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक है। आगे है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? तो चार ऑप्शन दी गई है, भावपरक, संस्कृति निष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन वन बी और सी, मतलब कि संस्कृति निष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो इसके राइट आंसर हो जाएंगे जिसका ऑप्शन वन सही हो जाएगा। आगे है 47 क्वेश्चन, नागमती उपयोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। तो चार ऑप्शन दी गई, यह बारहमासा शैली में लिखा गया है, यह बारहमासा की शुरुआत जायसी ने की, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, नागमती में आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ए और डी इसका क्या है राइट आंसर है, ए और डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन आपका, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित तथ्य है। तो बादल को गिरते देख कविता को से संबंधित तथ्य कौन कौन से है, ये कविता है। ठीक है, तो ये नागार्जुन जी की कविता है, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रस्तुत नहीं है, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, इनमें किन्नर किन्नरियों के सुच्छेद जीवन के अनुभूतात्मक चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका बी और डी, मतलब कि आपका नागार्जुन बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, ये सही है, और साथ में डी, इनमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूतात्मक चित्र है। ठीक है, ये दो ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है। चार ऑप्शन दी गई है, नीचे आपको विकल्प चुनना है सही उत्तर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार ए और डी, ए और डी मतलब ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, और डी कलयुग में लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो ये दो राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन आपका 50, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की कविता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, इसका क्या प्रतिपाद्य है, इसका उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन दी गई है जिसमें से आपको कोई दो विकल्प चुनने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार सी और डी इसका राइट आंसर है, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहता है। ठीक है, और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे है 51, आपका वंटी उपन्यास किससे संबंधित है, मतलब इसका कथ्य क्या है। तो आपका वंटी की बात की जाए तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन दी गई है और आज इससे आपको विकल्प चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड ए और डी, ए और डी मतलब तलाक शुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और साथ में दाम्पत्य संबंध का विघटन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जिंदगी नामा उपन्यास में है, तो क्या है जिंदगी नामा उपन्यास में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन दी गई है आपको उत्तर विकल्पों में चुनना है, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो चार ऑप्शन दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन ए और सी, मतलब कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है, साथ में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आकारांत कर दिया गया है। ठीक है, दिया है, तो इसका दो ऑप्शन सही है ए और सी, मतलब कि आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा। आगे है भानुभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र है, तो पात्र बताने हैं आपको, नीचे विकल्प दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें है राजकुमारी चंद्री धत्ती, सुचरिता पतलेखा,
और ऋत्र ऋतु भरा भरा ये क्या है, चार पात्र है, तो इसमें कौन से सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन, ए और बी। ये क्या है, आत्मकथा, भानुभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के पात्र है। निम्न में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है और 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इसके जो पात्र हैं, वर्णित गांव कौन कौन से हैं, दो गांव है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चार। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर है दोस्तों, मतलब कि बी और सी। बी और सी आप देखिए, समेरी और बेलारी, दो इसमें गांव वर्णित है, ठीक है, गोदान उपन्यास में। आगे है परिंदे कहानी के पात्र कौन है? तो परिंदे के आने की बात की जाए तो इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो चार ऑप्शन दिए गए, रिचर्ड्स, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड, मतलब बी और डी इसका राइट आंसर है। तो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट ये क्या है, इसके पात्र है परिंदे कहानी की। आगे है निम्न में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है, तो कमलेश्वर जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो बात की जाए इसके, तो बिदारी बाहर, राजा निर्वसिया, ठसक, कस्बे का आदमी। तो इसके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, मतलब बी और डी इनके क्या है, कहानी संग्रह है, बी राजा निर्वसिया का ये, और साथ में कस्बे का आदमी, ये दो सही हो जाएंगे ऑप्शन। ये ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर है, ठीक है। अगले है कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में, दो कथन दो क्वेश्चन कमलेश्वर से संबंधित ही आगे, तो कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है, चार ऑप्शन दी गई है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और सी। नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है, ठीक है, और साथ में उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, ये दो इसके बारे में कहा है कमलेश्वर ने। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्यों की बात की जाए तो चार ऑप्शन दी गई है, आपको विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए और डी इसके क्या है, सही तथ्य है, मतलब कि यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, साथ में इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतेन्दु युग के प्रमुख निबंधकार है, तो प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं भारतेन्दु युग के? तो भारतेन्दु युग की बात की जाए तो इसके प्रमुख निबंधकार की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन आपका सेकंड थर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि बी और डी। बी और डी में देखिए कौन कौन है, बी और डी में देखा जाए तो काशीनाथ खत्री और आपका राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ 1859 में, ठीक है, और मृत्यु की बात की जाए तो 1925 में इनकी मृत्यु है। आगे है क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए ही है क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, कौन से ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? चार ऑप्शन दी गई आपके पास, जुमन शेख, मोहम्मद महमूद, भजन सिंह, मोहन मोहसिन। मोहसिन चार ऑप्शन दी गई है, आपको सही विकल्प चुन के कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है, ठीक है। सही आंसर आपने, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, पूरा डिटेल वाइज इसका राइट आंसर बताना है, ताकि जिससे आपका एक मतलब कहे जाए कि होमवर्क की तरह भी एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप पूरा इसके बारे में सर्च करके लिखोगे या अपनी नॉलेज को शेयर करोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट
60 से लेके 80 क्वेश्चनों के बीच में आपके साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।